हेलो हेलो, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर, है ना। कल हमारा खास हो गया था फोर नोबल ट्रूथ तक, फोर नोबल ट्रूथ, है ना। आज हम आगे थोड़ा सा आगे, एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ हम क्या पढ़ रहे थे बेसिकली? हम पढ़ रहे थे उनकी टीचिंग्स। किसकी टीचिंग? गौतम बुद्ध की, लॉर्ड बुद्धा जिसको हम बोलते हैं, उनकी हम टीचिंग्स पढ़ रहे थे। इसमें से हम उनके फोर नोबल ट्रूथ्स पढ़ लिए थे। अब हमें क्या पढ़ने? एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ क्या है? आप लोग सब पाथ में रास्ता, एट फोल्ड मतलब एट टाइम्स, ऐसा आठ रास्ते में चलने होंगे। हाँ, आठ तो हैं, ये कुछ चीज तो हैं, एट तो हैं, लेकिन पाथ में पर रास्ता वैसा रास्ता नहीं है कि आपको चल कर जाना है। यहाँ पर पाथ से मतलब आपके वे ऑफ लिविंग से है। यहाँ पर आपका पाथ का मतलब वे ऑफ लिविंग से, कि आप किस तरह से रहते हो। वहाँ पे आपको आठ तरीके अपनाने होंगे रहने में, आठ तरीके आपको अपने वे ऑफ लिविंग में इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो कहता है वे टू निर्वाण, द वे टू निर्वाण, मोक्ष का जो रास्ता है बुद्धिज्म, और द पाथ दैट लीड्स टू रिमूवल ऑफ सफरिंग, या फिर ऐसा रास्ता जो आपके पर्व को दूर कर दे, उस रास्ते को हम एट फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक के संस्कृत से वर्ड आया अष्टांगिक, उसको एट बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग या फिर मिडिल पाथ, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट फोल्ड पाथ बोलते हैं। क्या क्या पाथ है इंपॉर्टेंट है? पहला, ठीक है, देखा क्या हुआ है, इट्स अ पाथ मिड वे बिटवीन लग्जरियस लिविंग एंड हार्ड फाइनेंस। तो वो पहले आपको बता रहे, ऊपर समरी दे रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता रहता है इट्स अ लग्जरियस लिविंग, बहुत रॉयल लाइफ है आपकी, और एक हार्ड पेरेंट्स, एक बहुत बहुत कठोर, बहुत हार्ड। मतलब क्या करे, आप संन्यास करो, तप करो, उसके बीच की जो लाइफ होती है ना, वो ये है ना। तो आपको ज़्यादा लग्जरियस लिविंग में रहने का मौका मिलेगा, और ज़्यादा आपको हार्ड पेरेंट्स भी नहीं करना है। तो पहला रहता है राइट ऑप्शन, पढ़ा क्या पहला है राइट ऑप्शन। टू राइट ऑप्शन, पहला रास्ता करने के आपको राइट एक्शन लेना है। राइट एक्शन लेना, राइट एक्शन मतलब क्या? टू रिमेन अवे फ्रॉम थेफ्ट, लग्जरीज एंड वायलेंस, चोरी चकारी से आपको दूर रहना है। लग्जरीज आपको ज़्यादा SORM की आदत नहीं डालनी है, वायलेंस उससे भी आपको दूर रहना है। है ना। तो पहला क्या कह रहे हैं कि आपको राइट एक्शन है, राइट एक्शन आपको लेना है। सर याद कैसे करना है, अब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीनिंग समझ सकते। तो पहला वो कह रहा है कि आपको लाइफ में कर लेना है, राइट एक्शन लेना है। वो राइट एक्शन क्या क्या है? आपको चोरी करनी है, नहीं करनी है। आपको SORM की आदत डालनी है, नहीं डालनी है। आपको लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं करना है। दूसरा राइट थॉट, दूसरा राइट थॉट, टू रिमेन अवे फ्रॉम एम्प्टी रिचुअल्स एंड वर्ल्डली एविल्स। दो वर्ड आए, एम्प्टी रिचुअल्स एंड वर्ल्डली एविल्स। तो वर्ल्डली एविल्स का मतलब आपको बताइए, दुनिया में इतनी बुराई चीज, बुरी चीज़ें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। एल्कोहल भी ले सकते हो, बैड कंपेनियनशिप भी ले सकते हो, बुरे लोगों के संग से भी दूर रह सकते हो, बुरी चीज़ों से भी दूर रह सकते हो, बुरी आदतों से दूर रह सकते हो। और एम्प्टी रिचुअल्स मतलब क्या? ऐसे रिचुअल्स जो खोखले हैं। खोखले मतलब क्या? बस इंसानों ने बना दिए हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सती प्रथा, कि हस्बैंड की डेथ के बाद उसके वाइफ को भी जिंदा जला देना, यह खोखली प्रथा है, एकदम एम्प्टी रिचुअल है, इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ऐसी प्रथाओं से भी दूर रहो, ऐसे रिचुअल्स से भी क्या रहो? दूर रहो। राइट बिलीफ, राइट बिलीफ मतलब क्या? सही चीज़ है वहाँ पे भरोसा करो, फालतू चीज़ों पे नहीं, यानी डिजायर को छोड़ दो। डिजायर मन में बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं, उनको त्याग दो, इच्छाओं को गिवअप कर दो, छोड़ दो। राइट लिविंग, आपको ऑनेस्ट होना है, आपको ऑनेस्ट होना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है। यानी आपको क्या होना है? ऑनेस्ट होना है। जब आप किसी भी तरह का बिहेव कर रहे हो, आपको अपने बिहेवियर में कैसा रहना? ऑनेस्ट रहना है। राइट स्पीच, ये ऑब्वियस बात है, इसका मतलब है कि सच बोलो और सही बोलो। स्पीक द ट्रूथ,
सच बोलो, आई डो नॉट थिंक इल ऑफ अदर। दूसरे कह रहे हैं बुराई मत सोचो। बुरा बोल नहीं रही हो तो ठीक है, लेकिन बुरा सोचो भी मत। ऐसा नहीं कि सोच तो बुरा रहे पर बोल अच्छा रहे। बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है, ठीक है। एफर्ट, राइट राइट एफर्ट, राइट एफर्ट। वर्क फॉर ग्रीवेंस फ्रॉम सिंस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। सिंस का मतलब लिखो, सिंस का अगर मीनिंग आपको नहीं पता है तो ग्रीवियंस आपने नोट, सिंस का नोट कर लिया आपने। सिंस होता है आपका पाप, है ना। पाप, पाप मतलब क्या? अगर पाप का मीनिंग भी नहीं पता आपको तो पहले हिंदी में पाप लिख लो इसका। अगर और मीनिंग का तो रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स, बुरे कर्मों का फल। बुरा काम करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको सिन बोलते हैं, ठीक है। और डिलीवरेंस एक बड़ा है, डिलीवरेंस का मतलब हिंदी में आपको लगता मुक्ति। आप फ्री लिख सकते, फ्री है ना। डिस्चार्ज भी लिख सकते हो, फ्री डिस्चार्ज कुछ भी है ना, फ्रीडम है ना। तो राइट एफर्ट मतलब क्या? काम ऐसे करो, एफर्ट मतलब मेहनत, ऐसी मेहनत करो जिससे आपको आपके पाप से मुक्ति मिले। यानी आपने जो गलत काम किए हैं सर, मम्मी तो अभी हम तो नहीं करते। अरे अभी नहीं, अब नहीं करते ना, पहले तो कभी किए होंगे, पहले तो कभी किए होंगे ना। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए अच्छे काम करो ताकि आपको उनके पाप से मुक्ति मिल जाए। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के भले के लिए काम करो। रिकॉर्डिंग हो रही है? होता रही है। राइट रिकलेक्शन, राइट रिकलेक्शन। रिकलेक्ट मतलब होता है सोचना, रिकलेक्ट मतलब होता है सोचना। ये रिकलेक्ट मतलब ये नहीं कुछ इकट्ठा करना है, दोबारा से कुछ इकट्ठा करना है, रिकलेक्ट मतलब सोचना। तो कह रहा सही सोचो, सही सोचने से मतलब क्या है? थिंक अबाउट पायस थिंग्स। पायस मतलब पवित्र, बहुत हाई लेवल की जो चीज़ होती है, मतलब अच्छी चीज़, पवित्र चीज़ है ना। तो अच्छी सोच रखो अपनी, बहुत अच्छी। राइट मेडिटेशन, और कॉन्सेंट्रेट करो। मेडिटेशन का मतलब, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, वर्ड आ गया। मेडिटेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होता है सर? घर पर बैठना, अब पहाड़ी पर बैठना, कहीं पर ही बैठना, आँख बंद करके, आँख बंद करके बैठ जाना, इसको मेडिटेशन बोलते हैं क्या? तो नहीं, मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग बता दूँ। मेडिटेशन का मतलब वो होता है जो आप पढ़ते टाइम भी कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब वो हो सक वो होता है जो आप टीवी देखते टाइम भी कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब वो होता है जब खाना खाते टाइम भी कर सकते हो। हाँ यानी मेडिटेशन ऐसे नहीं कि मेडिटेशन जो फिर टाइम ही चाहिए। हाँ मेडिटेशन का अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके लिए अलग चीज होती है, लेकिन मेडिटेशन का रियल मीनिंग हो कभी भी कर सकते हो। रियल मीनिंग क्या इसका? कंसंट्रेट करना। अगर आप कोई काम करते हैं फुल्ली उसी पर कंसंट्रेट होते हो, आप कोई काम करो और आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका फुल्ली कंसंट्रेट आपको वहीं पर, आपका पूरा का पूरा फोकस वहीं पर है, तो उसका मतलब मेडिटेट ही कर रहे हो, आप मेडिटेट ही कर रहे हो। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, एक कंडीशन है, आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है तो वो मेडिटेशन नहीं करेगा। और आप जो गलत काम में कॉन्सेंट्रेट भी बहुत करे हुए हो, नहीं आप सही काम कर रहे हो, है ना। आप फुल अटेंशन के साथ कर रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, तो उसको मेडिटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेट करो ऑन ओनली व्हाट इज राइट, है ना, तो इसको बोलते मेडिटेशन। तो हमारे ये आठ रास्ते होते हैं, आठ एट फोल्ड पाथ को कैसे याद होगी आठ रास्तों को? तो ट्रिक मैंने बनाई है इसकी, सोची अभी अभी। मिसेस तबले, मिसेस तबले। अब जैसे भी हो जाए आपको नहीं, आप दूसरी भी कर सकते हो, भी कर सकते हो। मुझे ये मिली तो मैंने ये आपको बता दी, है ना। है ना, ये रहा मिसेस तबले। एम फॉर मेडिटेशन, आर मतलब रिकलेक्शन, एस मतलब स्पीच, टी मतलब थॉट, ए मतलब एक्शन, बी मतलब बिलीफ, एल मतलब लिविंग, ई मतलब एफर्ट्स। एक भी आप लिख लेना पेपर, वापस की फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। हो सके तो ये मीनिंग भी लिख लेना, कितने कितने मीनिंग लिखोगे तो लेते हैं इतने। वो तो पता ही है ना कि आप फिर से आपको एडवाइस देने बोलेंगे चोरी करने की, ना चोरी करने की एडवाइस दे रहे हैं, है ना। तो इनको आप लिख सकते हो।
ठीक है, आप 31 जून आकर ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध के क्या व्यूज थे, उनका क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स गॉड, उनका गॉड के प्रति क्या एटीट्यूड था। एटीट्यूड मतलब वो घमंड नहीं, एटीट्यूड मतलब तो वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बुद्ध हेल्ड दैट द होल यूनिवर्स वॉज कंट्रोल्ड बाय द धर्म, धर्म बोलो, धर्म बोलो, हिंदी में धर्म बोलते हैं, इंग्लिश में धर्म, आ यूनिवर्सल लॉ। तो धर्म को वो बेसिक लोग, धर्म मतलब क्या, धर्म या धर्म एक ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स पर अप्लाइड होती है, एंड धर्म क्या है कि यूनिवर्सल लॉ है, धर्म एक क्या है यूनिवर्सल लॉ है जो जिससे कोई बच ही नहीं सकता, उसको फॉलो तो सभी को करना पड़ेगा। अगर इस यूनिवर्सल लॉ को आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जिसको बोलते हैं सिन। क्या बोलते हैं सिन, अगर आपने वो नहीं किया यूनिवर्सल लॉ तो आपको हमेशा अच्छे काम करने के लिए बोलते हैं, आपने अच्छे काम नहीं किया तो आपको सिन मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने, तो उनका क्या कहना है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है ना, उन्होंने इनडायरेक्टली ये नहीं बोला कि भगवान कंट्रोल नहीं करते हैं, ना ही उन्होंने ये बोला कि भगवान कंट्रोल करते हैं, उन्होंने ये बोला इस वर्ल्ड को जो कंट्रोल करता है वो है धर्म, क्या है धर्म, या कि यूनिवर्सल लॉ। ही वॉज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में हमेशा साइलेंट रहे, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, उन्होंने कभी भी नहीं बोला, दो ही नेवर फॉर्मली डिनाइडेड, ना तो उन्होंने कभी बोला, उन्होंने कभी नहीं बोला कि भगवान है या नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी मना किया, ना ही उन्होंने कभी मना भी किया, उन्होंने ना तो हाँ बोले ना बोले, ठीक है। लाइक महावीर ही एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, बिल्कुल उन्हीं की तरह, महावीर जी की तरह, जिन्होंने फोकस किस पर किया था, नॉन वायलेंस पर किया था। ये लाइन तो आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों लिख दिया। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या, आपका आचरण, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो बुद्धा फॉर्मुलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोअर्स, उन्होंने कहा जो मुझे फॉलो करते हैं उनको इस तरह का कंडक्ट करना चाहिए दूसरों के साथ। पहला, नॉट टू टेल अ लाई, चोरी मत करो, चोरी वो सॉरी झूठ मत बोलो, नॉट टू टेल अ लाई, झूठ मत करो, नॉट ओन प्रॉपर्टी, संपत्ति मत रखो, संपत्ति मत रखो, सर संपत्ति क्यों ना रखें, अगर संपत्ति आप रखोगे तो आपको ग्रीड होगा, ग्रीड होगा तो आपको, तो आप अच्छे, तो आपको, अब जैसे आपको ग्रीड होगा फिर आप अच्छे काम कर ही नहीं पाओगे, अगर आपके अंदर ग्रीड आ गया तो आप अच्छे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर नॉट टू कंज्यूम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, आप एल्कोहल मत पियो, क्योंकि एल्कोहल अगर आप पीते हो तो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी आप लूज कर दोगे, मेंटल स्टेबिलिटी आप लूज कर दोगे तो आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, आप सही और गलत डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, तो गलत भी काम कर दोगे, तो गलत काम करने से आपको रोकना ही है, तो गलत काम करने से रोकना है तो आपको एल्कोहल पीने से भी रोकना होगा। उन्होंने बोला कि आपको एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीनी है, ठीक है। नॉट टू कमिट वायलेंस, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी पर भी, किसी के साथ भी। नॉट टू इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, आपको करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। सर इसका मतलब क्या है, कहीं गलत काम हो रहा है तो आपको गलत काम में साथ नहीं देना है, आपको गलत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप वहां से दूर हटे, अगर आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वहां से दूर हो जाओ, वहां से क्या हो जाओ दूर हो जाओ, उसका पार्ट मत हो किसी भी तरीके से, ठीक है। और कोई पूछ भी रहा है कि आपने गलत होते हुए देखा है तो साइलेंट भी मत रहना, साइलेंट भी रहना इसका मतलब छुपा रहे हो गलती, तब वो साइलेंट भी नहीं रहना है, आपको बताना है, यानी कि आपको किसी भी तरह से गलत चीजों का साथ नहीं देना है, अगर आपको बोलने की जरूरत है तो बोलना पड़ेगा, आपको साइलेंट रहने की जरूरत है तो आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको गलत काम में इन्वॉल्व नहीं रहना है, ठीक है। ये 5 इनके क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 नंबर से कम का आएगा नहीं, ठीक है, और ज्यादा का भी नहीं आएगा। ये पहला झूठ बोलने का है, फिर झूठी प्रॉपर्टी का है, झूठी ड्रिंक पीने का है, लड़ने का है, फिर गंदे काम करने का है, इजिली याद हो जाएंगे ना, कर लेना कर्म। उन्होंने कुछ कर्म के बारे में कुछ बोला, लॉ ऑफ कर्म, लाइक हिंदुइज्म, आपको नहीं पता होगा ना कर्म मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, आपने किसी जगह पर लॉ ऑफ कर्म पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कर्म क्या होता है ना, या अगर आपने इस लास्ट ईयर लॉकडाउन में कभी महाभारत वगैरह सुनी हो तो आपने कर्म कर्म सुना होगा, हाँ है ना, यस कर्म या कर्म जो भी आपने सुना हो, क्या होता है कर्म, आपको कोई आइडिया है,
कुछ आइडिया नहीं है ना। बेसिकली कहा जाता है, ऐसा प्रूफ भी हुआ है, ठीक है, कि हमारे साथ जो होता है, पहले तो कर्म का मतलब समझो। कर्म मतलब काम। कर्म एक शुद्ध हिंदी का वर्ड है, आप संस्कृत भी कह सकते, ठीक है, ठीक है। और कर्म एक शुद्ध हिंदी का वर्ड है, जिसको नॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं, काम, क्या बोलते हैं, काम या फिर कार्य, है ना। तो कर्म मतलब काम। तो ये ऐसा बताया गया है, श्री कृष्ण जी ने भी ये बताया था कि हम जो करते हैं, और मैंने ऊपर ही प्रूफ किया था आपको, चार जो हमने नोवेल तो पढ़े थे, कि हम जो करते हैं, हमें जो प्रॉब्लम होती है उसका रीजन हमारी इच्छाएं होती हैं, यानी कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे काम की वजह से होता है। हम जैसा काम करते हैं वैसे रिजल्ट मिलता है, हम जैसा काम करते हैं वैसे रिजल्ट मिलता है। एग्जाम का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप जितना अच्छा पढ़ोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा एक थ्योरी है, एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर प्रूव किया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है, जिसके अंदर समझाया जाता है कि आपके साथ जो होता है वो वही होता है जो आप करते हो। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग गुड, देन यू कैन एक्सपेक्ट टू डू अदर्स गुड विद योर सेल्फ, है ना। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरा भी आपके लिए अच्छा करे। ये लॉ ऑफ कर्मा बताता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, टिट फॉर टैट। हिंदी में अगर बोले तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये लॉ ऑफ कर्मा कहता है, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ लॉ या फिर थ्योरी ऑफ कर्मा या फिर लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो वो कहते लाइक हिंदुइज्म, जैसे हिंदुइज्म, जैसे हिंदू लोग भरोसा करते थे थ्योरी ऑफ कर्मा में, बुद्धिज्म लोग भी भरोसा करते थे। बुद्धिज्म सेड दैट अ मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। उन्होंने कहा आदमी ही अपनी किस्मत का निर्माता है, आदमी ही अपनी किस्मत को बनाने वाला है, आदमी ही अपनी डेस्टिनी को बनाता है, एंड बिलीव इन रिवर्स। और वो उन रिवर्स में भरोसा रख करते थे। तो कहता एविल डीड्स विल बी पनिश्ड, अगर आप बोले वो गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। देयर फॉर मैन शुड फॉलो मिडिल पाथ। इसलिए इंसान को एक बीच का रास्ता चूज करना चाहिए, बीच का रास्ता मतलब उसको गलत काम नहीं करने चाहिए। इट इज कर्मा अब डिसाइड द टाइप ऑफ मैन एग्जिस्टेंस इन द नेक्स्ट लाइफ। आपके कर्म डिसाइड करते हैं, आपके कर्म हैं जो डिसाइड करते हैं कि विच टाइप ऑफ मैन एग्जिस्ट इन द नेक्स्ट लाइफ, कि आपको नेक्स्ट लाइफ में कौन सा जन्म मिलेगा, इंसान का, जानवर का, कौन सा, इंसेक्ट का, बर्ड का, कौन सा, ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो अच्छे काम करो ताकि आपको अच्छा जन्म मिले। इट इज कॉल्ड द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस ऑन मॉरेलिटी, स्ट्रेस ऑन वर्क मॉरेलिटी। मॉरेलिटी मतलब अच्छे काम ना, अच्छे कामों पर थोड़ा उनका जवाब ज्यादा था। बुद्ध इंसिस्टेड ऑन अ लाइफ बेस्ड ऑन गुड एक्शन। बुद्ध ने इंसिस्ट किया एक लाइफ पर, लाइफ पर उन्होंने इंसिस्ट किया ऐसी लाइफ पर जो कि कैसी हो, बेस्ड ऑन गुड एक्शन। एक ऐसी लाइफ जहाँ पर इंसान अच्छे अच्छे काम करता हो, वैसे लाइफ को इंसिस्ट करते थे कि इंसान की लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर वो अच्छे काम करता है। हिज फॉलोअर्स वर एंजॉइंड टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस एंड टू लीड अ अपराइट लाइफ। उनके फॉलोअर्स को ज्वाइन कराया गया कि वो क्या करें, प्रैक्टिस करें नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करने के, नॉन वायलेंस को फॉलो करें, वो नॉन वायलेंस ना करें, वो वायलेंस ना करें, एंड टू लीड अ अपराइट लाइफ, और एक अच्छी जिंदगी जी, जैसे उनसे करने को बोला गया। है ना, निर्वाण के बारे में उनका क्या कहना था, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाण और सार्वभौम। एक इंसान की लाइफ में जो अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए इस पर, है ना, वो मोक्ष प्राप्त करने का ही होना चाहिए। सर ये तो उनका भी था, क्या कहते हैं, जैनिज्म का। अरे बेटा ये तो आप अगर इस्लाम में पढ़ो तो इस्लाम में भी यही है, अगर आप महाभारत भागवत गीता वगैरह पढ़ोगे यानी हिंदुओं का ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भी यही है। और अगर आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब भी उठाकर देखते हो तो, मैंने पढ़ी नहीं है पर मेरे ख्याल से हाँ यही होगा, क्योंकि भगवान एक ही है, नाम अनेक है, मानते आते हैं हमें ना। तो वो सभी ने हर जगह एक ही बात बताई है, बस अलग अलग तरीके से बताई है। अब आपको कैसे, उनसे अलग अलग तरीके से क्यों बताइए, क्योंकि आप सोचो
आप मेरे से क्वेश्चन, आपको डाउट आया, मैंने ही पढ़ाया आपको, आप ही डाउट आया। अगर मैं दोबारा उसी तरीके से आपको पढ़ा दूँ तो क्या आपका डाउट क्लियर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि तो फाइनल तरीके से आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे को नया तरीका बताना पड़ेगा ताकि आप चीज़ को समझ पाओ। तो नए नए तरीके से हर बार अलग अलग तरीके से भगवानों ने समझाया है, भगवान ने समझाया अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पर आकर उन्होंने समझाया है चीज़ों को, ताकि ना समझ पाए। कोई इंसान एक तरह से समझ पाता है, कोई इंसान एक तरह से नहीं समझ पाता, तो उसको दूसरा तरीका चाहिए होता है। तो उन्होंने हर बार इतनी बार तो बताया, अलग अलग रीजन में आकर उन्होंने बताया। उन्होंने रीजन नहीं बनाए, इंसानों ने आकर बनाए, उन्होंने माफ किया, उन्होंने बोला कि चलो तुमने रीजन बना लिया, ठीक है मैं हर रीजन में आके आपको समझाऊंगा कि इंसानियत से बड़ा कोई चीज नहीं। उन्होंने आगे समझाया, हर रीजन में लिखा हुआ है कि हम सब भाई बहन हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं, है ना? तो वही वाली बात है। तो निर्वाण सॉल्यूशन हर किसी के लाइफ में बोले कि आपको ऊपर जाकर मोक्ष मिले, ठीक है? हम हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग के, स्वर्ग में जाके, स्वर्ग में जगह मिले, तो मोक्ष से मतलब होता है उसका मतलब, है ना? स्वर्ग मिले हमें, इट इज पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। और देखिए वो स्टेट ऑफ माइंड की विच कंकर्स ऑल डिजीज, एक ये ऐसे डिजीज वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको आप अपनी बीमारियों पर कंट्रोल पा लेते हो, है ना? जीत 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 जाते हो, मेक्स द पर्सन फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आप फ्री हो जाते हो डेथ ऑफ बर्थ की साइकिल से, डेथ एंड बर्थ की साइकिल से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मर जाऊँ या मेरा जन्म होगा, नहीं आपको फर्क ही नहीं, आप टेंशन फ्री हो गए। आपको परम ज्ञान मिल गया, आपको पता है कि ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा तो ऐसी कैसी रहेगी, अभी मर रहा हूँ, अभी डेथ बॉडी ये वाली चली जाएगी, कोई बात नहीं, टेंशन किस बात की, ये जो मेरी आत्मा है फिर दूसरी बॉडी में आ जाएगी, तो आपको फिर टेंशन ही नहीं रहती। जब आपको इतना मोक्ष मिल जाता है, आपको एक ज्ञान मिल जाता है, फिर वो टेंशन ही नहीं रहती है। इस चीज़ पर इनका का फोकस था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वही भाईचारा। लॉर्ड बुद्ध प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, उन्होंने बोला मानवता के ऊपर कि सब सभी लोग क्या हैं, आपस में भाई बहन हैं, यानी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए ही है। मतलब ही वॉन्टेड टू पीपल टू लिव इन पीस, उन्होंने बोला कि सबों को शांति से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, सेटिंग असाइड ऑल देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस को जो भी अपने डिफरेंसेस बना चुके हैं, यानी अब जो तो काफी टाइम बताए थे ना, लोग तो काफी आगे बढ़ चुके थे, लोगों ने जात बना दी, लोगों ने धर्म बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। उन्होंने कहा उन सारी चीजों को दूर रखो और शांति से रहो। ही इनवाइटेड पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड रेसेस टू ज्वाइन बुद्धिज्म, उन्होंने काफी अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग जातियों के लोगों को बुलाया कि वो बुद्धिज्म को ज्वाइन करें, यहाँ पर कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। नो फेथ इन रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, इनका बिलीव था कि फालतू रिसोर्स को फॉलो मत करो और कोई सेक्रीफाइस मत दो। बुद्ध सेड दैट यजन्स कैन नॉट चेंज अ मैन्स डेस्टिनी, लॉर्ड बुद्ध का कहना है कि अगर आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ करने से आप अपना किस्मत नहीं बदल सकते हो, किस्मत बदलनी है तो अच्छे काम करो, यज्ञ करने से कोई किस्मत नहीं बदलती, नहीं तो जितने भी किलर हैं जो मर्डर करते हैं, गंदे गंदे काम, गलत गलत काम करते हैं, जेल में बैठे हैं, अगर वो जेल में बैठ के यज्ञ करने लगे तो क्या जज उनकी सजा माफ कर देंगे क्या? नहीं होगा ना ऐसा। तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। हाँ हो सकता है अगर आपका बिहेवियर जेल में सही रहता है, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते बाकी कैदियों के साथ, तो आपकी पनिशमेंट कम हो जाए, तो आपको माफी मिल सकती है अच्छे कर्म के बेस पे, अच्छे काम के बेस पे। यज्ञ करने से आपके वो किस्मत चेंज नहीं होगी। सेक्रीफाइस ना रिचुअल्स आर एम्प्टी सेरेमनीज, जब सेक्रीफाइस करते हो रिचुअल्स करते हो बिल्कुल खाली है, एकदम खोखली है, इनके पीछे कोई बेस ही नहीं है, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इनको फॉलो मत करो, ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू तो इन चीज़ों के ऊपर। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के ऊपर भी इनके थॉट्स थे। क्या थॉट्स थे इनके, पढ़ो ज़्यादा पढ़ो। लाइक महावीरा बुद्ध अटैच द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रिटी ऑफ लाइफ एंड फॉलोड द पाथ ऑफ नॉनवायलेंस, यानी बिल्कुल भी इनका बिल्कुल इनके जो पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू थे महावीर की तरफ से नॉन वायलेंस के रिगार्डिंग, ठीक है? दस द इम्पोर्टेंस गिवन टू द कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन द क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ फेलो फीलिंग्स कंपैशन फॉर द यंग एंड वीक वूमेन एंड वुमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग्स, है ना? उन्होंने कहा
इसीलिए जो इम्पोर्टेंस दी गई, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई इस बुद्धिज्म के अंदर, वो किस चीज़ को दी गई? कंडक्ट एंड वैल्यूज, आपके बिहेवियर के ऊपर और आपके वैल्यूज के ऊपर, क्या आपके आचरण क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, ना कि इस क्लेम से कि आपके घर में तो बहुत सुपीरियर हो, मेरा तो बर्थ एक हाई क्लास फैमिली हुआ है, मेरे लोग मेरे दोस्त जो हैं वो राजा हैं, इन चीज़ों से नहीं, ना ही कंपेरिजन वगैरह से, ठीक है कि अगर कोई छूटा है तो उसके लिए ये करें, उसके लिए वो करें, कोई वीक है तो उसके तैसा करें वैसा करें, नहीं, आपका कंडक्ट देखेंगे, आपकी वैल्यू देखेंगे और चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई इनकी टीचिंग्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जिन लोगों ने इंसानों का, आदमियों का, औरतों का, मेन का, वीमेन का क्या किया, ध्यान अट्रैक्ट किया किसी तरफ, बुद्धिज्म की टीचिंग पर, बुद्धिस्ट की, बुद्धिस्ट टीचिंग्स पर, यानी विराट बुद्धा की टीचिंग्स पर अट्रैक्ट किया उन्होंने, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, अभी की नई चीज़ आई है यहाँ पे, मतलब सही है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब आप इसको ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एक एसोसिएशन, वर्ड समझ तो एसोसिएशन, एक वर्ड होता है एसोसिएशन, अगर आपको समझ आता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो सिंपल से बता दूँ। एक लोगों का ग्रुप, सिंपल से ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, द संघ, संघ, संघ मतलब उसको यूनियन बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश में यूनियन, संघ को इंग्लिश में बोलते हैं द यूनियन, यूनियन मतलब क्या, लोग जब एक साथ होते हैं तब तो उसको बोलते हैं संघ, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी नोन एज ए संघ, एक ग्रुप बनाया गया जहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रमोट किया जाता था या इम्पार्ट किया जाता था, उन जगहों को हमने, उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, संघ नाम दिया गया। और ये संघ क्या था, इट वॉज अ मोनेस्टिक ऑर्डर इस्टेब्लिश टू स्प्रेड बुद्धिज्म, एक मोनेस्टिक ऑर्डर था जो कि ऑर्डर निकाला गया था किस लिए, ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सकें। लेटर द संघ बिकेम अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, बाद में संघ एक बहुत बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन बना, दे हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म फार एंड वाइड, काफी दूर दूर, द प्रिंसिपल दैट गवर्न द संघ आर फॉलोइंग। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या फंक्शंस थे, प्रिंसिपल्स थे, फीचर्स थे, ये हमें यहाँ पर पढ़ने हैं जो कि कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कितने हैं, तीन हैं, पढ़ लेते हैं। पहला फीचर मेंबरशिप लेनी है, पता होगा आपको मेंबरशिप क्या होती है। द मेंबर्स ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर वर कॉल्ड भिक्षुज या फिर भिक्षुनीज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मंक्स या फिर नंस, है ना, लड़कों को मंक्स और लड़कियों को नंस, है ना। दे वर रिक्वायर्ड टू रिनाउंस द वर्ल्ड बिफोर ज्वाइनिंग द संघ, उन लोगों से कहा जाता था कि अगर आपको हमारे यहाँ पे आना है, लोगों को अगर बुद्धिज्म में स्प्रेड करने में आपको अगर हेल्प करनी, तो आपको पहले पूरे वर्ल्ड को छोड़ना होगा, पूरी दुनिया को आपको छोड़ना होगा, दुनिया के वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं उनको छोड़ना होगा बिफोर ज्वाइनिंग द संघ, है ना। द मिनिमम एज वॉज 15 ईयर्स, कम से कम 15 ईयर्स तो आप 15 साल के तो आप होने चाहिए तभी आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। द मेंबर्स हैड टू टेक द ओथ, उनके कसम खानी पड़ती थी, ओथ लेनी पड़ती थी, प्रॉमिस करना पड़ता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि एंड संगम शरणम गच्छामि, इसका मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब क्या है, याद करना पड़ेगा, इस ओथ का मीनिंग क्या है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, शरण शरणम, शरण मतलब शेल्टर, मैं लॉर्ड बुद्धा के अंदर क्या लेता हूँ, शरण लेता हूँ, शरण लेता हूँ, शरण मतलब लेता हूँ शेल्टर लेता हूँ, लॉर्ड बुद्धा के शरण में आता हूँ, ठीक है, उनके यहाँ पे मैं आता हूँ। धर्मम शरणम गच्छामि, मैं
मैं उनकी शरण लेता हूँ, मैं उनके अंदर धर्म की शरण लेता हूँ, मैं धर्म के अंदर, तो बोला शरण मतलब शेल्टर लेना, ले शेल्टर है ना, और गच्छामी मतलब लेता हूँ, ठीक है। मैं लॉर्ड बुद्धा के अंदर शरण लेता हूँ, मैं लॉर्ड बुद्धा के की छत्र छाया में आना चाहता हूँ, उनके सपोर्ट में आना चाहता हूँ। मैं धर्म के अंदर शरण लेता हूँ, यानी मैं धर्म को फॉलो करूँगा, इन संगम शरणम गच्छामी, और मैं संघ के अंदर शरण लेता हूँ, संघ के अंदर शरण लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई, आई टेक शेल्टर अंडर बोथ, आई टेक शेल्टर अंडर रिलीजन, आई टेक शेल्टर अंडर द संघ। द फॉरवर्ड हैड टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की उनकी ट्रेनिंग होती थी, है ना। ये थे इनके क्या, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स की मेंबरशिप अगर आपको लेना था, मेंबरशिप के लिए आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, 10 कमांडमेंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होते थे। द मेंबर हैड टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ एंड फॉलो द 10 कमांडमेंट्स, जिसको परमित्त बोलते हैं, परमिता बोलते हैं। तो कमांड्स क्या हैं जो आपको दिए जाते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं, आपको मानने होते हैं। पहला, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। टू अबाइड बाय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अपनाने का मतलब है कि आप शादी नहीं करोगे, और आप शादी करने सोचोगे भी नहीं, आप गृहस्थ जीवन के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। नॉट टू हार्म क्रिएचर्स, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाओगे। नॉट हार्म प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी नहीं रखोगे। तो सन म्यूजिक एंड डांसिंग, आप म्यूजिक और डांसिंग को छोड़ दोगे। टू टेक मील्स ओनली एट फिक्स टाइम, आप फिक्स टाइम पर खाना खाओगे। नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, आप इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करोगे। नॉट यूज सेंटेड गुड्स, आप सेंटेड गुड्स को यूज नहीं करोगे। नॉट यूज स्लीप ऑन कशंस, आप कशंस पर नहीं सोओगे। नॉट यूज बनी, आप अपने पास पैसे भी नहीं रखोगे, ठीक है। बिहारस, बिहारस द भिक्षु इन द भिक्षु इज एनी मंग्स या नंस वर रिक्वायर टू रोम अबाउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर 8 मंथ्स ऑफ द ईयर। वो लोग, ये रिक्वायरमेंट थी कि वो कम से कम 1 साल में 8 महीने तो कंट्री में अलग अलग जगह पर घूमेंगे। और क्यों घूमेंगे, स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म को। दे हैड टू स्लीप इन बिहारन, बिहारस विच हैड सेपरेट सेक्शन फॉर मैन एंड वीमेन। उनके उनको कहाँ पर सोना पड़ता है, बिहार जिस जगह चीज होती है वहाँ पर उनको सोना पड़ता है, विच हैड सेपरेट सेक्शन फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। वहाँ पे आदमियों के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग अलग जगह होती है। स्पेशल रूल्स वर सेम फॉर भिक्षुणीज, भिक्षुणीज यानी लड़कियों के लिए अलग से रूल्स, इसको स्पेशल रूल्स बनाए गए थे। दिस वॉज डन टू एंश्योर डिसिप्लिन, ऐसा क्यों कहता ताकि डिसिप्लिन बना रहे। इन दी बिहारस द मेंबर्स लेड अ लाइफ ऑफ चेस्टिटी, ऑस्टेरिटी, डिवोशन, प्योरिटी। चेस्टिटी की, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, डिवोशन, डिवोशन, एकदम पूरा डिवोट हो जाओगे वहां पे, पूरी प्योरिटी से आप क्या करोगे, लाइफ को लीड करोगे, ये एंश्योर किया जाता था। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हाँ जैनिज्म के भी दो होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ध्यानो तो आपको मालूम, जैनिज्म में दो सेक्ट्स बने थे, दिगंबर और श्वेतांबर, याद है? भूल गए, अगर भूल गए तो पढ़ो अच्छे से, अगर नहीं भूल तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी बुद्धिज्म के भी दो सेक्टर हुए हैं, दो डिवीजन हुए। ड्यूरिंग द डेलिब्रेशन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी द रीन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के टाइम पर बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू सेक्ट्स, बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हिनायन और एक महायन, एक हिनायन और एक महायन, एक हिनायन और एक महायन। हिनायन मतलब क्या, हिनायन स्टूड फॉर फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्ध इन लेटर एंड स्पिरिट, ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हिनायन होल्ड दैट एट फोल्ड पाथ इज द ओनली मीन्स ऑफ सॉल्वेशन, इट सन्स आइडल वर्शिप एंड डज नॉट बिलीव दैट बुद्ध वाज गॉड। बुद्ध वाज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग हु अटेंड एनलाइटमेंट एंड निर्वाण थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। पाली वाज यूज्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ हिनायन एज द लैंग्वेज ऑफ इट्स स्क्रिप्चर्स। द हिनायन सेक्ट इज फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, कैम्बोडिया, लाओस। प्रार्थना के लिए हो गया महायान, द टर्म महायान मीन्स द ग्रेटर व्हीकल ऑफ सॉल्वेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। महायान बिलीव दैट बुद्ध वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड एंड ही वाज द वन हु कुड एंश्योर सॉल्वेशन। साइमल्टेनियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व आल्सो डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू महायान।
बोधिसत्व सत्वस वर दोज हॉली होली बुद्धिस्ट हु हैड नॉट येट गॉट निर्वाण लाइक बुद्धा बट हु वर प्रोसीडिंग रैपिडली टुवर्ड्स इट। इन फैक्ट दे वर बुद्धा इन द मेकिंग, दे मेड देयर गोल टू अटेन स्वर्ग अ स्टेट ऑफ ब्लिस रैदर देन अटेनिंग निर्वाण। द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व बिकेम एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ महायान। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक नागार्जुन एंड आसंग फाउंड द महायान सेक्ट, है ना। दे रोट देयर स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत। कनिष्क वॉज अ फॉलोअर महायान। द फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना एंड जापान। क्या लिखा हुआ सर ये, हिनायन और महायन? क्या डिफरेंस है? काफी समझ में आपको आ गया होगा। उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, है ना। दोनों की थोड़ी, दोनों तरह के लोगों की थोड़ी फिलोसफी चेंज हो गई, ठीक है। दोनों की फिलोसफी थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई, ठीक है। हिनायन में लोगों की फिलोसफी कैसी थी कि भगवान पर भरोसा नहीं करते थे सर, भगवान भरोसा नहीं करते थे मतलब वो मूर्तियों पर, मूर्तियों की पूजा करने पर भरोसा नहीं रखते थे, ठीक है। और ना ही वो लॉर्ड बुद्धा को लॉर्ड मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, बस वो मानते थे कि हाँ एक ही ऐसा महापुरुष है, कि एक ऐसा महापुरुष है जिन्होंने अपने एफर्ट्स से इतनी नॉलेज, इतना एनलाइटनमेंट, इतना ज्ञान आप ये प्राप्त किए हैं, ठीक है। या फिर जो भी उनके पास पावर है इन्होंने अपने एफर्ट से प्राप्त किए, वो ऐसा मानते थे। लेकिन जो हमारा महायान था उसका थोड़ा डिफरेंट था, उसके अंदर थोड़ा हिंदुज्म का फ्लेवर आ गया, उसके अंदर थोड़ा सा हिंदुओं का फ्लेवर आ गया। अब हिंदू तो पता है मूर्तियाँ कितनी हैं, घर में बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर तो पहली बात ये मूर्तियों की पूजा करने लग गए, ठीक है। यहाँ पर तो हर किसी को भगवान का अवतार माना जाता है। इन्होंने कहा कि ये बुद्धा जो है ये कोई सिंपल नहीं है, ये कोई सिंपल नहीं ह्यूमन बींग नहीं है, ये तो भगवान के ही एक अवतार है। इनकारनेशन मतलब ऑफ गॉड, एक अवतार है, अवतार इनकारनेशन नहीं बोलते हैं, अवतार, अवतार मतलब कहते हैं फॉर्म ऑफ गॉड, है ना। कि भगवान का क्या एक अवतार है ऐसा माना नहीं लगा। फिर बता रहे हैं ये कि जो आपको हिनायन मिलेगा वो श्रीलंका में, कंबोडिया में मिलेगा, है ना, मतलब इनके जो फॉलोअर्स हैं इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जो आपके जो ये है क्या है, क्या है, क्या महायान, इनका जो आपको, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बताया गया। उनकी जो लैंग्वेज थी किनकी, क्या कहते हैं हिनायन की, उनकी लैंग्वेज जो थी वो पाली थी, पाली है ना, PALI। इनकी जो लैंग्वेज थी महायान वालों की, इनकी संस्कृत थी, ठीक है। वो लोग स्वर्ग, वो लोग मोक्ष प्राप्त करने में भरोसा रखते थे। ये लोग सोचते हैं मोक्ष प्राप्त नहीं होना कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिविंग बींग को, अपने हम, अपने जो हम जिंदा रह रहे हैं, हम इसी लाइफ को अच्छी बना लेंगे कि ये हमारी मोक्ष जैसी हो। तो सौ के अलग अलग कहते हैं पॉइंट थे। तो मैं आपसे कहूंगा इसको तो आपको देखो घर में खुद से पढ़ना और दोनों डिफरेंस बनाना, डिफरेंस खुद से अपने पॉइंट से, ठीक है, एक डिफरेंस बनाने की कोशिश करना। है ना, क्या चीज होमवर्क में डिफरेंस, इनके इसमें डिफरेंस से आप एक टेबल बनाकर एक डिफरेंस बनाना, ठीक है। और मुझे सेंड करना, मुझे सेंड करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल चैप्टर पर खत्म हो जाएगा। कुछ होमवर्क है, होमवर्क लिखो। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। ये वाला ठीक है, ये आपका होमवर्क है।